आज हम अध्याय 3 धातु और अधातु के परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गहिन सर, आपका हार्दिक स्वागत है। खाली जगह भरो। पहला प्रश्न है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यह खाली जगह प्रकार का ऑक्साइड है। इसका उत्तर है उभयधर्मी। दूसरा प्रश्न है सोडियम परमाणु की बाह्यतम कक्षा में खाली जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका उत्तर है एक। प्रश्न नंबर 3 है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु कौन सी है, मतलब कॉपर और जिंक की मिश्र धातु खाली जगह है। उत्तर है ब्रास या पीतल। सोल्डर यह खाली जगह और खाली जगह की मिश्र धातु है। उत्तर है लेड यानी शीशा और टीन। प्रश्न नंबर 5 है सोने की शुद्धता खाली जगह इकाई में मापी जाती है। इसका उत्तर है कैरेट। छठा प्रश्न है सोना खाली जगह में पिघल रहा है। इसका उत्तर है एक्वा रिजिया। सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है लोहे की परतें पर किसका आवरण चढ़ाकर उसको क्षारण से रोक सकते हैं। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी तांबा यानी कॉपर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिंक। प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से किसमें विस्थापन प्रक्रिया संभव नहीं है। ऑप्शन ए FeSO4 का विलयन प्लस Mg, ऑप्शन बी CuSO4 का विलयन प्लस Fe, ऑप्शन सी FeSO4 का विलयन प्लस Cu, ऑप्शन डी CuSO4 का विलयन प्लस Mg। इसका सही आंसर है FeSO4 का विलयन प्लस Cu यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3 है मैग्नीशियम धातु से अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी लोहा यानी आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम। चौथा प्रश्न है 2ZnS+3O2 अभिक्रिया 2ZnO+2SO2 यह पद्धति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पिघलन, बी भर्जन, सी कैल्सिनेशन, डी रिडक्शन। इसका आंसर है ऑप्शन बी भर्जन। निम्न प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला है सोना और प्लेटिनम किस में पिघलते हैं। इसका उत्तर है एक्वा रिजिया। प्रश्न नंबर 2 है तांबे का मुख्य घटक हो ऐसी मिश्र धातु के दो नाम लिखो। उत्तर है पीतल यानी ब्रास और कांसा। अयस्क अर्थात क्या। उत्तर है ऐसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक व लाभदायक हो। चौथा प्रश्न है खनिज अर्थात क्या। उत्तर है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पांचवा प्रश्न है संक्षारण की व्याख्या लिखो। उत्तर है लंबे समय तक आर्द्रवायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसी कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। सत्य और असत्य बताओ। पहला है चांदी और कॉपर ऊष्मा के उत्तम वाहक है, ये विधान सत्य है। दूसरा है सोडियम और पोटेशियम धातु को छुरी से काट सकते हैं, ये विधान भी सत्य है। तीसरा है कम सक्रिय धातु का उसके क्षार के विलयन में अधिक सक्रिय धातु से विस्थापन हो सकता नहीं है, यह विधान असत्य है। चौथा है मैग्नीशियम यह सोडियम से अधिक प्रतिक्रियात्मक है,
यह विधान सत्य है। पांचवा है, अधातु तत्वों का ऑक्साइड पानी में पिघले तब क्षार बनाते हैं, यह विधान असत्य है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।